तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 82 के सब्सक्राइबर्स हैं एक चैनल के जिनका नाम है क्रिएटिव किशन कुमार। दोस्तों 82,000 सब्सक्राइबर्स हैं और जो अभी जो करंट व्यूज हैं भाई 120, 100, 150 या 150 या 200 बस लास्ट, मतलब 82,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद इतने कम व्यूज कैसे भाई, हाउ इट इज पॉसिबल। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि भाई जिस दिन के 82,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो कम से कम हर वीडियो पे 20 से 30 हजार तो व्यूज आने चाहिए अगर 82,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो दोस्तों आज मैंने उनसे लाइव बात करी है फोन पे और क्या कारण है इसके पीछे, क्या रीजन है, क्या वजह रही है इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बाद इतने कम व्यूज की, तो मैंने कंप्लीट उनसे फोन पर बात की है इस रिगार्डिंग, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं जो उन्होंने मिस्टेक करी है वो आप नहीं करना। इसलिए मैंने उनके आपके खातिर, आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के खातिर मैंने उनसे बात करी है फोन पे। तो मैं आपको सुनवा देता हूँ भाई मैंने क्या बात करी है उनसे, और भाई वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक क्रिएटर्स हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स आ जाए जो इनके साथ, जो इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो चलिए पहले रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं उनकी। कैसे हो आप? सबसे पहले तो ये बताइए। हम तो ठीक हैं जी, आप बताओ। मेरा जो आपसे पर्पस बात कॉल करने का जो पर्पस है वो ये है, आपके ना 83 है ना आपके सब्सक्राइबर्स, 83 के जी सर। आपके उस हिसाब से व्यूज नहीं आ रहे हैं, यस मतलब सर। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो है मैं पब्लिकली, मतलब इसको मैं थोड़ा सा लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई ने क्या मिस्टेक करी है जो आपको नहीं करनी। अच्छा, तो मैं उसको कारण जानना चाह रहा हूँ कि आपके इतने सब्सक्राइबर्स होने के बाद इतने व्यूज आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है? दैट इज माय क्वेश्चन। रीजन बस यही है कि मैंने इस पे पहले शॉर्ट्स वगैरह अपलोड किया था, फिर चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था पहले। आज के टाइम में मतलब शॉर्ट्स अभी ट्रेंडिंग पे चला है, पहले शॉर्ट्स का इतना वैल्यूबल नहीं था, है ना। तो पहले क्या था, मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता था तो जस्ट शॉर्ट्स बहुत सारी वायरल हो गई थी मेरी। तो फिर जब मैंने मोनेटाइज किया तो उसने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर देन रिजेक्ट करने के बाद फिर मैंने सारी वीडियो को डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद फिर मैं अपना फेस वाली वीडियो डालने लगा। तो बस लोगों को, पहले लोग मुझे नहीं जानते थे, बस इसीलिए व्यूज वगैरह डाउन जा रहे। मतलब यही एक कारण है या कुछ और भी कारण है? जैसा आपने 83 तक आपको आप लेके गए सब्सक्राइबर्स, मतलब अपने यूट्यूब को, और आपने और क्या क्या चीजें फेस करी है? मतलब फेस तो सर बस इस चैनल पे तो यही है कि बस फेस वाली वीडियो अपनी अपलोड करता था, बस जैसे शॉर्ट्स ही अपलोड करता था। ठीक है। तो बस ये था कि लोग नहीं पहचानते थे शॉर्ट्स वगैरह। तो फिर मैंने चैनल का नाम भी पहले कुछ और था, फिर मैंने चेंज करके फिर अपने नाम से डाला, तो शायद कुछ लोगों को मान लो ये भी कंफ्यूजन है या कुछ भी है। मतलब पहले ऐसा होता था कि भाई शॉर्ट्स वाले चैनल वो मोनेटाइज नहीं होते थे, ऐसा ही तो था ना पहले? पहले इतना शॉर्ट्स का क्रेज नहीं था, अब 27 कंट्री में लॉन्च कर दिया तो अब शॉर्ट्स का वैल्यूबल बढ़ा, तो अब शॉर्ट्स वाले वायरल हो रहे, लेकिन पहले इतना शॉर्ट्स का क्रेज नहीं था जब से मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा था तब से। मतलब हाँ, तो बस यही कारण है कि व्यूज वगैरह डाउन जा रहे हैं। ओके 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 ओके। पहले क्या नाम था आपके चैनल का? पहले मतलब शिफ्टर चलाती थी इस चैनल को, अच्छा तो शिफ्टर के नाम से था फिर, बट मैंने अपने नाम से कर लिया। ठीक है ठीक है ठीक है। आपकी इनकम वगैरह हो रही है इससे? अभी नहीं हो रही है। नहीं अभी ज्यादा कुछ नहीं हो रही है, अभी पता है आपको व्यूज जैसे इंक्रीज होगा उस हिसाब से, तो अभी ज्यादा कुछ नहीं है। और स्पॉन्सरशिप वगैरह आ रही है आपके पास कुछ? नहीं स्पॉन्सरशिप वगैरह अभी नहीं सर। अच्छा। आपको कितना समय हो गया इस पे वर्क करते करते, मतलब रेगुलर? रेगुलर तो इस चैनल पे बाकी तो अभी कुछ दिन ही हुए हैं, बाकी मैं यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल भी डेड वगैरह हो गए हैं, तो बस ज्यादा कुछ मतलब बेनिफिट्स नहीं मिल रहा था पहले से, तो अभी इस चैनल पे बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं बस, थोड़ा ओके, बहुत ही ग्रेट है। ग्रेट ग्रेट। जो अभी न्यू मतलब जो न्यू जो जिनका स्टार्टअप है न्यू, आप उनको मतलब क्या कहना चाहोगे आप, मतलब अभी के टाइम में? उनको तो अभी के टाइम में, तो देखो अभी के टाइम में जस्ट शॉर्ट्स वीडियो भी वायरल ज़्यादा, जितना लॉन्ग वीडियो पॉपुलर नहीं हो रही उतना तो शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और मैं तो ये बस यही कहना चाहूँगा अभी के लिए कि शॉर्ट्स प्लस लॉन्ग और फेस कैम भी स्टार्ट करो, ताकि ऑडियंस आपको पहचाने। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब आप, लेकिन आज के टाइम की जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा ये देख रही है कि इतने टाइम हो गया मेहनत कर रहे हैं हम, 2 महीने 3 महीने, तो मतलब मैंने ये चीज देखी है कि जब सक्सेस मिलनी होती है ना तो उसके टाइम पे ही मिलती है। हाँ जी यस सर, विजिट करूँगा सर, आप भेज देना एक बिल्कुल बार बिल्कुल, लिंक। मैं लिंक शेयर करूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरे से बात की, और ये मैं रिकॉर्ड करके बताऊंगा कि भाई इनसे क्या मिस्टेक हुई थी और आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो दोस्तों आई होप आपको रिकॉर्डिंग सुनने के बाद क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या मिस्टेक उन्होंने करी है और क्या आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपका स्टार्टअप है तो भाई प्लीज इन मिस्टेक्स को मत करना। एंड थैंक यू सो मच क्रिएटिव किशन कुमार का, जिन्होंने हमसे बात करी है और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर किया है, ताकि आप लोगों के सामने
सच्चाई का पता चल जाए कि क्या सच्चाई थी इसके पीछे। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप डेली वर्क करो और कंसिस्टेंसी से वर्क करो, तभी जा करके आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाओगे, तभी जा करके आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन पाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो की जो जानकारी है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।